हरियाणा की सियासत में आज बड़ा फेरबदल हुआ है। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कुरुक्षेत्र से सांसद सैनी बीजेपी का ओबीसी चेहरा माना जाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके साथ 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इससे पहले आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद से इस्तीफा भी दिया था। खट्टर ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया था। इस तरह हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया है। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुए मतभेदों की वजह से ये गठबंधन टूटा है। इस बीच उन्होंने चंडीगढ़ में बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक की। डॉक्टर बनवारी लाल ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा के बावल से विधायक हैं सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि हरियाणा सरकार से अनुसूचित वर्ग के मुख्य चेहरा हैं। जयप्रकाश दलाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जो कि लोहारू सीट से विधायक है। 2014 में बीजेपी में शामिल होने वाले दलाल पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी किसान सेल के प्रभारी और जिंद जिला प्रभारी जैसे कई पदों पर रह चुके हैं। वे हरियाणा सरकार में कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन, कानून और विधायी कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। रणजीत सिंह हरियाणा सरकार में पहले भी मंत्री रहे। वे खट्टर सरकार में ऊर्जा और बिजली मंत्री रहे। आज फिर उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। रणिया सीट से वे निर्दलीय विधायक हैं। 2019 में उन्होंने अपने पोते दुष्यंत चौटाला के साथ खट्टर सरकार में शामिल वो हो गए थे। हरियाणा के बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा खट्टर सरकार में परिवहन और खनन मंत्री थे। आज मूलचंद शर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। वे लगातार अपनी सीट से दूसरी बार विधायक बने। विधायक कंवरपाल सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। कंवरपाल हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं। वे इससे पहले भी शिक्षा मंत्री, वन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं।